सीएम योगी को भगवा रंग बेहद पसंद है, तो अफसर सीएम योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए जो करे उन्हें कम ही लगता है। यूपी में सबसे पहले भगवाकरण की शुरुआत तब हुई जब एनएक्सी भवन की दीवारों को भगवा रंग से रंग दिया गया। पहले हज हाउस की दीवार भगवा रंग से रंगी गई, जब विवाद हुआ तो उसे फिर से क्रीम रंग से पुतवा दिया गया। फिर सरकारी स्कूलों की दीवारों को भी भगवा रंग से नहला दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर स्थित साइकिल पथ पर लगे डिवाइडर भी भगवा दिखने लगे। ऐसे में पार्क की दीवारें भगवा रंग में कैसे नहीं पुती जाती। यही नहीं, योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर जो बुकलेट छापी गई थी उसका मुख्य प्रश्न भगवा रंग का था। फिर रोडवेज बसों की सीटें भगवा हुई, इसी कड़ी में अब टोल प्लाजा भी भगवा दिख रहा है। ये नज़ारा मुजफ्फरनगर सहारनपुर फोर लेन हाईवे का है। इस पर स्थित एक टोल प्लाजा को ही भगवा रंग दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि प्लाजा की डिजाइन में ही भगवा रंग शामिल था। टोल प्लाजा के सीनियर मैनेजर शायद ज्यादा ही ज्ञानी है, क्योंकि वो ये भी बताने से नहीं चूके क्योंकि डिजाइन में रंग भी शामिल होता है। स्टार्ट के लिए गवर्नमेंट की परमिशन और फी नोटिफिकेशन का इंतजार है। जैसे ही फी नोटिफिकेशन मिल जाएगी हम टोल स्टार्ट कर देंगे। सर क्या प्राइस रखे जाएंगे वाहनों के? प्राइस का पता फी नोटिफिकेशन के बाद ही चलेगा। सर जैसे टोल है सर, एकदम भगवाई रंग की चुना गया इसके लिए? ना, ये आर्किटेक्ट का डिजाइन था, उसमें कोई इंडिविजुअल पसंद नहीं था, तो जैसा आर्किटेक्ट ने डिजाइन करके दिया था उसी का एक पार्ट है कलर भी। बहरहाल ये भगवा टोल प्लाजा अभी ट्रायल के लिए खोला गया है। इसे जनता के लायक बनाने के लिए सरकार से नोटिफिकेशन का इंतजार है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए अफसर उनके दौरे से पहले शौचालय में भगवा टाइल्स लगवाकर फटकार तक खा चुके हैं। लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ को ही भगवा रंग पसंद हो तो अधिकारी फटकार खाने तक को भी तैयार है, क्योंकि बीजेपी सरकार केसरिया रंग को खासा तवज्जो दे रही है। अब समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर प्रदेश का भगवाकरण करने का आरोप लगाए या इसे अल्पसंख्यक विरोधी कदम बताए, किसी को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सरकार तो भगवा को पसंद करने वालों की ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN मुजफ्फरनगर।